ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और काला जठेड़ी है जिस पर 7 लाख का इनाम था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जितने भी टोल हैं, टोल का कॉन्ट्रैक्ट लेना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, इस तरह के कई चार्जेस थे। और बड़ी बात यह है कि जो काला जठेड़ी है वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी से साल 2020 में फरार हो गया था। पुलिस वालों पर फायरिंग हुई थी और उसके बाद इसके साथियों ने इसे छुड़ाया था। जो सागर धनखड़ का केस था काफ़ी हाई प्रोफाइल, उसमें सुशील के साथ, जो ओलंपियन है सुशील, उनके साथ इनकी एसोसिएशन सामने आई थी। यानी ये क्लियर हो चुका है कि जो ओलंपियन सुशील कुमार है वो काला जठेड़ी के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्राइम पार्टनर था। तो इस तरह के चार्जेस लगे। उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में ये गैंग बड़े पैमाने पर पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी एक्टर, उसके अलावा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इनको थ्रेट करता था, उसके बाद इनसे एक्सटॉर्शन वसूल करता था। साथ ही साथ जो लेडी है ये राजस्थान की लेडी डॉन है, कई बार पहले भी इसे अरेस्ट किया गया है लेकिन फिलहाल संदीप के साथ इसको अरेस्ट किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस काफ़ी चौकी है और कहीं ना कहीं शेल्टर दे रही थी अनुराधा, जो चूंकि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, इस वजह से संदीप को लगातार सपोर्ट कर रही थी, शेल्टर दे रही थी। तो दोनों को ही अरेस्ट किया है। फिलहाल स्पेशल सेल की ये काउंटर इंटेलिजेंस की टीम का ये ऑफिस है, यहाँ पर उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुशील और काला जठेड़ी को आमने सामने बिठाकर भी दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी कि किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।